से सोचा गया था कि भाई जो लोग हैं पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, साक्षर हों, असाक्षर हों, सबको एक जगह लाके कुछ गहराई से लोकतंत्र को समझने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। लोकतंत्र को सही मायनों में जिंदा रखने और उसमें लोक की भागीदारी और सत्ता की जवाबदेही जनता के प्रति बनाए रखने के लिए कुछ लोगों ने जो ठोस काम किया है उसमें एक प्रमुख नाम अरुणा राय का है। अरुणा राय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं और इससे भी ज़्यादा जन पक्षधर कानूनों, चाहे वो नरेगा हो या सूचना का अधिकार हो, इन सब को लाने के पीछे उन्होंने सघन काम किया है। उनसे बात करने के लिए हम पहुंचे एक बहुत ही खास जगह, यह है राजस्थान का भीम। यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया स्कूल फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शाला, जो तकरीबन 2009 से पूरी तरह से सक्रिय है। यहाँ पर अलग अलग कार्यशालाएं होती हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता और संगठन यहाँ आकर किस तरह से लोकतंत्र को, देश के संविधान को जिंदा रख सकते हैं, उस पर आने वाले हमले से निपट सकते हैं, इस पर बहुत ही सघन, जीवंत और जमीनी चर्चा यहाँ पर होती रही है। आइए देखते हैं भीम में किस तरह से हो रहा है लोकतंत्र शाला का कामकाज। आपकी उम्र 75 साल है, 40 साल की उम्र से लेकर अभी तक आप सक्रिय बनी हुई हैं और लगातार नौजवानों के साथ, जो अलग अलग क्षेत्र के नौजवान हैं, यहाँ पे मैंने देखा कि आदिवासी बच्चे आए हुए हैं, लोक कलाकार हैं, अलग अलग राज्यों के भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, जिनको आप लोकतंत्र की शाला में अलग ढंग से प्रशिक्षण दे रही हैं। कैसा संबल आपको लगता है ये? एक तो ये बात है कि जब मनुष्य केंद्रित विचारधारा या दृष्टिकोण होता है तो संभावनाएं हर समय रहती हैं, और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम है। वो स्केल के बारे में सोचना ज़्यादा नहीं चाहिए कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, कि 4 रहेंगे कि 40 रहेंगे, कि 400 रहेंगे कि 4000 रहेंगे, मगर उस क्रिया को अच्छे से, ईमानदारी से, शुरू से अंत तक करें तो उम्मीद है कि एक बीज तैयार होगा और उन बीज से कई और बीज तैयार होंगे। इसमें विश्वास बहुत दृढ़ है मेरा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं 29 साल की थी जब मैं राजस्थान आई थी, और पहले एनजीओ में रही, उसके बाद में यहाँ पे जब मैं उसको छोड़ी, उसके बाद 3-4 साल घूमी राजस्थान में, फिर 41 साल था जब मैं देवडूंगरी आई, तो ये विश्वास कभी टूटा नहीं है और वो विश्वास अभी भी मुझे खींच के ले जाता है। वो 19 साल का लड़का या लड़की हो, या मेरे जैसे एक 70 साल के गांव की औरत हो, या कोई भी हो। सोचा गया था कि भाई जो लोग हैं पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, साक्षर हों, असाक्षर हों, सबको एक जगह लाके कुछ गहराई से लोकतंत्र को समझने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो 2009 ये इमारत वगैरह बन गए थे कुछ काज, तो इससे यहाँ 2009 से काम शुरू हुआ। वैसे लोकतंत्र शाला का काम निरंतर चल रहा है, मगर लोकतंत्र के बारे में सोच डगमगा जाता है आजकल, कि एक बहुत बड़ी विडंबना है ना, कि एक तरफ से तो लोकतंत्र के अलावा और कोई ढांचा भी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं ये हमारे लिए सही ढांचा है, और लोकतंत्र को देखें आज दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखें, तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के खोखलापन तो जीवित है, मतलब उसका जो
खोखलापन क्या उसका ढांचा जीवित है और पूरा उसको खोखला कर दिया गया है, और वो ढांचा वो इलेक्शन और इलेक्टोरल डिबेट्स और वो पूरा जो एडल्ट फ्रेंचाइज वाला वो तो हर जगह है, मगर उसके जो दूसरे जो पहलू हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के खुद के अंदर वो डेमोक्रेसी और वैल्यूज़, जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी के, वो सब जगह डगमगा गए हैं, खोखले हैं, कहीं तो ख़त्म ही हो गए हैं। कुछ देशों में शायद अभी तक जीवित है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे वगैरह में, कुछ हद तक यूरोप में भी है, कुछ हद तक कनाडा में शायद हो सकता है, और अमेरिका में पता नहीं किस स्थिति में है, यूएसए में। तो हम अभी ग्लोबलाइज इस तरीके से हो गए हैं कि कुछ भी होता है कहीं भी तो उसकी इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफ़ी जल्दी हो जाता है। हम लोग पहले जब शुरू किए थे काम तो हमें लगता था कि हम एक टापू में हैं, मतलब वास्तव में, क्योंकि खबर भी नहीं पहुंचती थी हमारे पास और हमारे बारे में सूचना भी बहुत दूर नहीं पहुंचता था, और हम लोग एक काल्पनिक दुनिया में रह भी सकते थे। आजकल वो काल्पनिक दुनिया की संभावना नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए लोकतंत्र के मूल्यों को जीवित रखना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और खुशी की बात तो ये है कि संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का खिंचाई और उसकी जड़ और उसकी बुनियाद अभी तक जीवित है। लोग अभी भी, उम्र 19 हो या 70 हो, उन मूल्यों में अभी भी विश्वास करते हैं, तो आशा जग जाता है कि शायद ढांचा भी सुधर जाएगा। स्कूल फॉर डेमोक्रेसी लोकतंत्र शाला का बहुत ही नाभि नाल का रिश्ता है मजदूर किसान शक्ति संगठन से, जो 90 के दशक में अरुणा राय ने शंकर सिंह और निखिल डे के साथ मिलकर शुरू किया, और यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। हमने मजदूर किसान शक्ति संगठन के एक अभिन्न हिस्से, एक बहुत अहम चेहरे शंकर सिंह से भी बात की MKSS के ऑफिस में। कब से आप यहाँ आए शंकर जी, और इस गांव से क्या रिश्ता है? 87 में मैं, निखिल और अरुणा जी यहाँ आए, और हम तलाश में थे कि हम इस इलाके में काम करेंगे, लेकिन जगह की तलाश थी कि हम कहाँ से काम चालू करें। तो ये घर हमें रहने के लिए मिल गया, मेरी बहन का ससुराल है इस गांव में, मेरी बहन खेत के ऊपर उसने मकान बना लिए, तो फिर वो यहाँ हमें ये घर रहने के लिए दिया। और यहाँ रह के क्या नहीं करेंगे ये सोचा था, क्या करेंगे हमने सोचा कि वहाँ लोगों से बात करके ही तय करेंगे। यहाँ से क्या क्या शुरू किया आपने? यहाँ पहली मीटिंग हमने गांव में लोगों के साथ चालू हुई, तो उनकी जो बड़ी तकलीफ ये थी कि सरकार का जो काम चलता है, उस 87 में अकाल था, तो यहाँ अकाल राजस्थान में अक्सर पड़ते रहते हैं, तो पूरे पैसे मिले, लोगों को काम मिले, तो लोगों को काम और रोज़गार और उसकी बात कर रहे थे, तो पैसे पूरे नहीं मिल रहे थे। तो जब हम लोगों से बात करते थे, वो कहते हैं कि पैसे पूरे मिलते नहीं हैं, क्या करें। तो हमने कहा चलो इस पे बात करते हैं, और फिर उसके लिए हम सरकार से, जैसे ही पैसे पूरे नहीं मिलने की बात की, तो उन्होंने कहा कि ये लोग काम नहीं करते हैं पूरा। तो हमने कहा कहाँ लिखते हो आप काम नहीं करते हो, तो उसका कहीं कोई हिसाब है? तो उन्होंने कहा हाँ है, वो मेस्ट्रोल है, उसकी MBA मेजरमेंट बुक है, वो सब वहाँ है। तो मैंने कहा वो आप दिखाओ। तो उन्होंने कहा आप कैसे दिखा सकते हैं, ये सरकारी रिकॉर्ड है। तो पहली कहानी वहीं से चालू हुई कि हम सरकारी रिकॉर्ड, मस्ट्रोल बिल वाउचर आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये सरकारी रिकॉर्ड है। और वहीं से हमें लगा कि अगर कागज़ हम नहीं देखेंगे तो ये कागज़ में क्या लिखते हैं और हमें क्या बताते हैं, इसमें बहुत फर्क हो सकता है। तो हम धरना वहीं से चालू किया, सूचना के अधिकार का बीज यहीं से पड़ा। हाँ, तो एक तरह से बीजारोपण है, एक तरह से ये घर उसकी गवाही देता है कि यहाँ से सूचना के अधिकार का आंदोलन चालू हुआ, और फिर जगह जगह फैलते फैलते उस कानून का मसौदा तैयार हुआ। तो सूचना का अधिकार कानून यहाँ से मिला, जनसुनवाई हमने खूब करवाई यहाँ, और जनसुनवाई से सोशल ऑडिट वाला ढांचा निकला कि हम जो सामाजिक ऑडिट अंकेक्षण की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो यहाँ की देन है कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन, जनसुनवाई, सोशल ऑडिट, और आज हम सरकार से बात कर रहे हैं कि हमें एक जवाबदेही कानून चाहिए, क्योंकि जवाबदेही नहीं है सरकार की। मतलब इस गांव का नाम क्या है और कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पर? देवडुंगरी है, छोटा सा गांव है, यहाँ
कुछ 50-60 परिवार घर रहते हैं, और देवडूंगरी नाम है क्योंकि यहाँ देव जी का मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर, ये तहसील भीम पड़ती है, जिला राजसमंद में है। यहाँ से 30 साल पहले ये कहानी चालू की थी। तो गांव समर्थन में रहा आपके, अभी भी है? शुरू में बहुत दिक्कत है, एकदम स्वीकार भी नहीं करते हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि हम 2-4 साल में सब कुछ ठीक होके चल जाएं, वो नियम 30 साल से यहाँ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार, एक विश्वास भी बनना पड़ेगा कि आपको वहाँ वो जगह को छोड़ के आप ऐसे चल दोगे, अब सब कुछ हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक चीज़ ठीक होती है दूसरी गड़बड़ है। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज इस समय आपको क्या लगता है, आपके सामने, संगठन के सामने क्या है सबसे बड़ा चैलेंज? चैलेंजेस तो बहुत हैं, मगर एक बुनियादी चैलेंज तो ये है कि हम कैसे ब्रॉड बेस्ड पब्लिक एजुकेशन को हम कैसे वापस लाएं, ताकि वो ब्रॉड बेस्ड पब्लिक एजुकेशन से वो वैल्यूज़ जो पहले के वैल्यूज़ थे, जो अभी व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो अभी भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, अगर पब्लिक लाइफ में वो वैल्यूज़ को वापस लाना पड़ेगा, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, सच्चाई, ईमानदारी और भागीदारी, बराबरी, जो हम लोग समझते थे कि आम इंसान इसके प्रति संवेदनशील है, और उन मूल्यों को वापस लाना पड़ता है। और हमारे सबसे बड़ा जो दुश्मन है, मुकाबला है, वो है इस समय कॉरपोरेट इंडिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड, प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेटाइजेशन, मार्केट, क्योंकि मार्केट ने पूरा हमारे भाषा को कब्जे में ले लिया है, तो हमारे इंडिविजुअल जो रिलेशनशिप्स थे उसमें भी घुस गया है। तो मार्केट डेफिनेशन, ब्रांडिंग, ये सारे शब्द हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम भी कमोडिटीज़ बन गए हैं। तो वी हैव टू री एस्टैब्लिश की वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कैन नॉट बी कमोडिफाइड, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस।